टी20 वर्ल्ड कप 2022 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस टूर्नामेंट के शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 मैचों की सीरीज खेली थी और भारत ने दोनों ही सीरीज को अपने नाम कर लिया था और अब भारतीय टीम डायरेक्ट वर्ल्ड कप में खेलती हुई नजर आएगी, जिसमें भारत का पहला मुकाबला चिर प्रतिद्वंदी टीम पाकिस्तान के साथ होने वाला है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए टी20 सीरीज के बाद वर्ल्ड कप 2022 के लिए भारतीय टीम स्क्वाड कन्फर्म होने के साथ ही भारतीय टीम की प्लेइंग 11 भी डिसाइड हो गई है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वर्ल्ड कप टी20 2022 के लिए क्या होगी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 और किस कॉम्बिनेशन के साथ भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप 2022 के मुकाबले में उतरेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं भारतीय टीम के सपोर्टर तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। टी20 वर्ल्ड कप को लेकर के क्रिकेट प्रेमियों के बीच में काफी ज्यादा उत्साह है। वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम को ग्रुप बी में रखा गया है और भारत को अपने ग्रुप में पाकिस्तान, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका जैसी खतरनाक टीमों से सामना करना होगा और भारतीय टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए 5 में से कम 4 मैच हर हाल में जीतने होंगे। ऐसे में भारतीय टीम को दूसरी टीमों को कांटे की टक्कर देना होगा और इस मुकाबले में आगे जाना होगा और ऐसे में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को लेकर के जमकर के माथापच्ची हो रही है और इसी वजह से भारतीय टीम स्क्वाड में बदलाव तो हुआ ही है, लेकिन उसके साथ ही अब भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की तस्वीर भी साफ हो गई है। तो चलिए अब आपको इस वीडियो में आगे एक एक करके बताते हैं कि वर्ल्ड कप 2022 के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। बात करें नंबर एक की तो नंबर एक पर होंगे कप्तान रोहित शर्मा। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के साथ साथ छक्का लगाने में भी नंबर एक पर है। हालांकि रोहित शर्मा का बल्ला पिछले कुछ समय से शांत है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप के मैचों में हमें रोहित शर्मा के बल्ले से बड़ी पारी निकलती हुई दिखाई देगी और उनके साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी निभाएंगे उप कप्तान केएल राहुल। हालांकि इन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में कुछ खास कमाल तो नहीं किया था, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए टी20 सीरीज में इन्होंने अच्छी पारी खेल करके अपने फॉर्म में आने का संकेत दे दिया है। तो ऐसे में वर्ल्ड कप 2022 में केएल राहुल भी शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे और नंबर तीन पर रन मशीन किंग कोहली खेलते हुए नजर आएंगे और वहीं चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव, जो 360 डिग्री बल्लेबाज के नाम से जाने जाते हैं और मैदान के हर कोने से रन बनाते हैं और इनका खेलना भी तय माना जा रहा है। नंबर पाँच पर ऑलराउंडर की भूमिका में हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे और हार्दिक पांड्या काफी शानदार खिलाड़ी हैं और अपने बल्ले और गेंद से मैदान में कोहराम मचाने के लिए जाने जाते हैं। और छठे नंबर पर हमें दिनेश कार्तिक खेलते हुए नजर आएंगे। दिनेश कार्तिक ने ऋषभ पंत को पछाड़ते हुए इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। दिनेश कार्तिक एक जबरदस्त फिनिशर के साथ ही मिडिल ऑर्डर में लंबी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं और काफी शानदार प्रदर्शन करते हैं, इनका भी खेलना तय माना जा रहा है। और वहीं रविंद्र जडेजा चोटिल होने की वजह से टीम से बाहर हैं, इसलिए उनकी जगह पर नंबर 7 पर अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया है और अक्षर पटेल अपनी स्पिन गेंदबाजी से बल्लेबाजों की धज्जिया उड़ाने के लिए जाने जाते हैं और इसी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी अपना कमाल दिखाते हैं और 7वें नंबर पर उनका खेलना तय माना जा रहा है। और वहीं नंबर 8 पर गेंदबाजी लाइनअप की बात करें तो स्क्वाड के साथ साथ प्लेइंग 11 में भी हमें बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से भारतीय टीम की गेंदबाजी लाइनअप एक समस्या बनी हुई है और गेंदबाजों की वजह से ही भारतीय टीम को एशिया कप से हाथ धोना पड़ा था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भी हम गेंदबाजों की वजह से हारते बचे थे। डेथ ओवरों में भारतीय गेंदबाज काफी ज्यादा रन लुटाते हुए नजर आते हैं और सिर्फ अर्शदीप सिंह ही एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। तो गेंदबाजी में किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा आइए जानते हैं। तो स्पिन गेंदबाजी के मामले में युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि युजवेंद्र चहल विकेट लेने की काबिलियत रखते हैं इसलिए 8वें नंबर पर इनका खेलना तय है। और अगर तीन तेज गेंदबाजों की बात करें तो नंबर 9 पर अर्शदीप सिंह का खेलना तय माना जा रहा है। अर्शदीप सिंह जसप्रीत बुमराह के सबसे बड़े रिप्लेसमेंट के तौर पर देखे जा रहे हैं और डेथ ओवर में सटीक यॉर्कर डालने के लिए जाने जाते हैं। बाकी दो तेज गेंदबाजों की बात करें तो नंबर 10 पर हर्षल पटेल और नंबर 11 पर दीपक चहर खेलते हुए नजर आएंगे और ये दोनों ही काफी शानदार खिलाड़ी हैं जो अपनी गेंदबाजी के दम पर बल्लेबाजों की धज्जियां बिखेर कर रख देते हैं। तो कुछ इस तरह से होने वाली है भारतीय टीम की प्लेइंग 11 वर्ल्ड कप टी20 2022 के लिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत पाएगी या नहीं, कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका धन्यवाद।